नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज रेलवे बोर्ड प्रशासन से एक छोटी सी न्यूज़ मिली है जो कि काफ़ी अच्छी है आप सबके लिए, तो आप लोग ध्यान से सुने। इस न्यूज़ में 3 ट्रेनों का जिक्र किया गया है जो हाल ही में अब तक ICF कोचेस के साथ दौड़ती हैं। ये तीनों ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन अपने गंतव्य स्थान के लिए अपना सफ़र पूरा करने में काफ़ी सक्षम है। चलिए आपको बताने वाला हूँ इन 3 ट्रेनों के नाम, वो हैं 11123, 11124 ग्वालियर बरौनी मेल एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन है 11109, 11110 झांसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस, और एक और ट्रेन है जिस ट्रेन का नाम है गीता जयंती एक्सप्रेस, क्योंकि इस ट्रेन के बारे में मुझे नहीं पता ये कहां से कहां तक चलती है। लेकिन ये तीनों ट्रेन सहित यानी 3 ट्रेन को अब आगे चलकर LHB कोच में बहुत जल्द ही बदल दिया जाएगा, क्योंकि आगे चलकर 3 ट्रेनों को नए रूप में दौड़ा कर सभी यात्रियों को यात्रा करने का अनुभव बदल जाएगा, क्योंकि इन तीनों ट्रेनों को ICF कोच में काफ़ी समय से चलाया जा रहा है। रेल मंडल ने इन 3 ट्रेनों को नए LHB कोच में बदलने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। अगर आपको ये आर्टिकल पूरा समझना है तो आप लोग आगे ध्यान से सुने। ये देखिए अमर उजाला टाइम्स का एक नया आर्टिकल आप सबके सामने दिख रहा है। झांसी न्यूज़ से पता चला है बरौनी मेल समेत 3 ट्रेनों में लगेंगे LHB कोच। रेलवे बोर्ड पर पहुंचा प्रस्ताव, क्योंकि इसमें दिखाया गया है झांसी मंडल से संचालित होने वाली ग्वालियर बरौनी मेल, झांसी लखनऊ इंटरसिटी और गीता जयंती एक्सप्रेस को नई यात्रा का अनुभव बदल जाएगा, क्योंकि इसमें LHB कोच को लगाकर एक नई रफ्तार में ये तीनों ट्रेनें एक नए रूप में दौड़ेंगी। आप लोग आर्टिकल ध्यान से देख रहे हैं, ये सारे आर्टिकल हैं क्योंकि मैं आपको इसी आर्टिकल के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस आर्टिकल पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बता ही देता हूँ। झांसी मंडल से संचालित होने वाली ग्वालियर बरौनी मेल, झांसी लखनऊ इंटरसिटी और गीता जयंती एक्सप्रेस में जनवरी से यात्रा का अनुभव बदल जाएगा। रेल मंडल ने गीता जयंती एक्सप्रेस के साथ ही अब अन्य दोनों ट्रेनों को कोच में बदलने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। बोर्ड से अनुमति मिलते ही इन तीनों ट्रेनों के पुराने ICF कोच को हटाकर इनके स्थान पर LHB कोच लगाए जाएंगे और रेल मंडल में LHB कोच लिंक के हब मेन बस कोचों से चल रही सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जानी जाएगी। वर्तमान में LHB कोचों की अधिकतम गति रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है, वहीं पुराने ICF कोच अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पा रही है। ऐसे में इन ट्रेनों के रनिंग टाइम भी अधिक हो जाएगा और इनका सीधा असर रेल यात्रियों पर पड़ जाएगा। वही रेलवे की समय पालनता भी ट्रेनों की गति कम होने के चलते प्रभावित होती है। यही कारण है कि ICF कोचों से चलने वाली झांसी रेल मंडल की ग्वालियर बरौनी मेल, झांसी लखनऊ इंटरसिटी और गीता जयंती एक्सप्रेस की गति अब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ऐसे में इन ट्रेनों का संचालन समय भी अन्य ट्रेनों के मुकाबले अधिक है। झांसी धौलपुर रेल मार्ग की अधिकतम गति भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं झांसी कानपुर रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन वर्तमान में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। हालांकि सभी रेल मार्ग की गति रेलवे को बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की करनी है। ऐसे में ICF कोच इन ट्रैक पर नहीं चल सकेंगे। ट्रेनों में नए LHB कोच लगाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है, अधिकांश ट्रेनों में LHB कोचों से किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की अनुमति के बाद इन तीनों ट्रेनों को ICF से LHB में बदल दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो कि अब ICF से LHB में बदल गई हैं। आप लोग ने देखा कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा ये है जम्मू तवी पुणे झेलम एक्सप्रेस, हाल ही कुछ ही दिनों में पहले ही इसको LHB में किया गया। यह भी ICF कोच रेक के साथ ही चलती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब शुरू करना। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और इस आर्टिकल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग इस लिंक पर क्लिक करें और ज़रूर से देखें और पढ़ें ध्यान से।